Ihr seid da welche die in नाज़रीन, इस वक्त हम बीडवीएन थाना गुजरात में मौजूद हैं। यहाँ पर एक शख्स को अरेस्ट किया गया है, बहुत फेमिलियर फेस है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू इस शख्स को जानते हैं। ये है कौन और थाने में इसे किस गश्त से लाया गया है, मामला क्या है, आज अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, लेकिन पहले इस शख्स से बात करते हैं। आप हैं नबील अकरम उर्फ भोला रिकॉर्ड जायदादा बेच देती हैं, जिसका डायलॉग मशहूर है। जी मैं ही हूँ। आप ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी मैं ही हूँ। ये तमाम वीडियोस आपकी हैं जो वायरल हुई हैं? जी वो मेरी वीडियो है। ठीक, रिकॉर्ड भी आप ही का वो सारा बना हुआ? जी वो मेरा रिकॉर्ड बना हुआ, लेकिन वो सारी बातें मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त आपको पता है कि आप अरेस्ट हैं और थाने में हैं? जी जी जनाब। और आपको ये पता है कि आप किस जुर्म में हैं? जी ये सब देखें, ये जो कुछ भी हुआ ना मेरे साथ, ये सब एक टोपी ड्रामा प्रोपेगंडा किया गया। मैं वो सब पूछूंगी क्यों है, आपको ये पता है जुर्म क्या है आपके? जी मैडम, ये जुर्म तो बहुत बुरा है। बात तो ये है, जो बस उनका जो मकसद था वो उनमें वो काम मकासद छोड़े ना, सिर्फ मुझे ये बताएं कि आपको एलिगेशन का पता है कि आपके एलिगेशन क्या है? जी मैडम, बात ये है, उस औरत को मैं नहीं जानता। मेरे पे पिछले दिनों एक साफी बंदे ने मेरे खिलाफ पर्चा कराया था। साफी अच्छा। ये गुजरात के जो साफी लोग है ना, ये करप्ट माफिया है, ये मीडिया का नाश इस्तेमाल करके। जी 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 जी, मैं गुजरात की बात करूँ, सहाफियों के सामने मैडम मैं गुजरात की बात करूँ, गुजरात के जो साफी है, गुजरात के जो साफी है, ये ब्लैकमेल मुझे करने की कोशिश कर, एक आदमी मेरे पिछली तरफ मेरे पर्चा करा दिया मेरे पे गुआ का। ये औरत उसके पास काम करती थी, टू बारी उसे मैं मिला हूँ, ये उस दफा एक दफा मिला था, ये औरत दूसरी दफा मुझे मिली। इसने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लिया, मुझे फोन किया, मुझे कह दी भोला जी कि मैंने आपसे मिलना है, मुझे कोई काम लगवा दो, मैं बड़ी बीमार हूँ, तो मैं बड़ी ये हूँ। मैंने इसे कहा बीबी मैं शाम की जगह बैठे हैं, मैं कार हाँ, तो तू मेरे घर आ जा। ऐसा औरत ने मैं पांच कॉल की, मेरे घर आई, पांच कॉल की कि कितने 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 मेरा घर है, मेरे घर आई है, दरवाजा भी मेरी भैन ने खोलिया, मेरी मशीरा ने दरवाजा खोलिया है, इन्हू अपने बैठे बिठाया, मेरे छोटे भरा ने 10-15 मिनट बैठी चाह पानी पियाया, मैं अपनी भैन मेरे सामने बैठी, मेरे छोटा भरा मेरे सामने बैठा है, चाह पानी पियाई है। इन तमाम चीजों से तो ये साबित होता है कि वो आपके घर तक आई और आपके घर के अंदर भी गई। जी मेरे आगे क्या हुआ उसका? मैडम आगे मैं बता दो, कुछ नहीं हुआ, ये मेरी वो बैठक में बैठी थी, 10-15 मिनट इसने बात की है, तो फिर मैंने इस कंपनी को फोन किया था, मेरे पास कंपनी का नंबर दिया, मैंने अपने भाई को कहा वॉइस मैसेज करके, यार मेरे भाई ये इस कंपनी वाले को नंबर दो, देखो मुझे नंबर दो, ये औरत बैठी हुई है, मैंने उससे बात करनी है। वॉइस मैसेज तो होगा वॉइस मैसेज आया, मेरे भाई के पास भी रिकॉर्ड है, मेरे पास भी रिकॉर्ड है, मैंने अपने मोबाइल साहब कश्ती भी मैं पुलिस की अरेस्ट किया गया। मुझे अरेस्ट इसलिए किया गया, मैंने आपको एक बात बता दूं, जब ये औरत मेरे घर से 6:15 गई है, तो ये वापस आके थाने आके कहती है कि पुलिस रिकॉर्ड ने मुझे ऐसा ऐसा घर बुला के मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है, तो मेरे घर जब मुझे थाने में पुलिस वाली गई, तो मैंने उसे टाइम मेरे घर आई, तो मैं पुलिस वाले के साथ आया हूँ, मैं सही आदमी था, मैं साथ आया हूँ, साथ आके मुझे पुलिस वाले ने पूछा कि भोला जी तुम ऐसा औरत ने गलत काम किया, मैं एक गल की ये भाई जब मैं गलत काम भोला रिकॉर्ड आप बने, अपनी वीडियोस वायरल हुई यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, आपके पेज चल रहे हैं, आपकी सारी की सारी वीडियोस, मैक्सिमम वीडियोस निहायत वल्गर अल्फाज में है, जिसमें आप गालम गलोच भी कर रहे हैं, जायदादा बेच देती हैं, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है, आप गोरियों के साथ, ख्वातीन के साथ, वो फहाश वीडियो है किस्म की, ठीक मेरी बात सुनिए, उससे आप फेमस हुए, ठीक है, कहीं ये भी आपका कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? नो, कैमरा आने के लिए नो मैडम नो, ये मेरी वीडियो जिससे अंदाजा नहीं किया जा सकता कि आप क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये मेरी वीडियो मेरे किसी दोस्त ने मजाक में वायरल कर, आप कह रहे हैं ना, लेकिन पेज तो ऑपरेट हो रहे हैं और बकायदा वीडियो बनी थी, मेरी वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद मैंने एक पेज बनाया, उसके पूरी दुनिया में वायरल हो गई, पूरी दुनिया से लोग बुरा भला कह रहे थे, मैंने एक पेज बनाया, पेज पे
سب سے پہلے فرسٹ ویڈیو بنائی تھی کہ تمام دوستوں یہ ویڈیو میری میرے کسی دوست نے وائرل کر دی, میں اپنے پراواں دوستوں کو معافی چاہنا, غلطی چاہنا. سائبر کرائم افواج طرف اپلیکیشن دے دیتے, آپ نے اس کو پھر آگے وائرل ہونے کی میڈم یہ پتا تھا کہ آپ نے آگے کیسے آنا ہے. میڈم نو نو نو, میں پروفیشنلی میڈم, اسی سادے لوگ اسی پڑھے لکھے نہیں ہیں, اسی سادے جی لوگ ہاں, سانو دکان دکان تو علاوہ کار تو علاوہ دوسری گل نہیں سی آندی. اج مینوں اے گل, آپ پاکستان سے بیرون ملک سفر کرتے رہے ہیں؟ پہلے تو میں کبھی جاتا تھا کبھی نہیں تھا جاتا, جاتے رہے جی. آج عمر میں نے کو ایئرپورٹ سے امیگریشن لاز فالو کرنے آ جائے, اسے اپنے ملک کے قوانین فالو کرنے نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کیا مطلب یہ, آپ امیگریشن والوں کو کراس کر کے جاتے رہے نا, آگے آپ نے پاسپورٹ دکھایا, ان کے رولز فالو کیے, سب کچھ کیا, وہ لاز فالو ہوئے, تو اگر آپ کو وہ تمام لاز تو پاکستان کے لاز کا نہیں پتا, سائبر کرائم میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, آپ نے وہ چلنے کیوں دیا, وہ آج کی نہیں چل رہی, وہ پچھلے ایک سال سے آپ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے. یہ میری جس دن ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس بندے نے سب سے پہلے اپنا پیج جہاں سے پیج فوٹو فیس بک آئی ڈی بنائی, اس آئی ڈی فوٹو چڑھا کے پیج بلاک کر دیا. میں نے بڑی کوشش کی تھی, میں نے بڑے سوزش ملائے تھے, بڑی کوشش کی تھی, میں یہ مجھے معلوم ہے, جن لوگوں نے جن لوگوں نے یہ میری ویڈیو یو ٹیوب پہ لگائی تھی وہ مجھے پیسے مانگتے تھے, مجھے کہتے ہیں $2,000 دے, $1,000 دے. اپلیکیشن دی نہیں میڈم, پولیس میں اپلیکیشن دی کہ آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, آپ کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں, بلکہ آپ نے کیش کیا اس چیز کو کہ آپ کا ریکارڈ. میڈم پہلی بات تو یہ سنیں, یہ کوئی بدبخت انسان ہوگا جو ایسے کرے گا, میرے فیملی ممبر میں میری بہن ہے, میرے بھرا ہے, میرے سب, جو لفظ آپ بول رہے ہیں اس میں خوش بختی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے, بدبختی ہے ساری. میں نے تو پہلے اعتراض کیا تھا, میں نے یہ ویڈیو بلا کے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ یہ میری دوست کسی نے وائرل کر لیا, میں اپنی غلطی کا اعتراض کرتا ہوں, مجھے رائے مولا معافی دو, جو غلطی ہونی تھی وہ دوست نے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کر دی. جی جی, وہ میرے پاس ثبوت بھی ہے, اس کا تھا جی. اس کے بعد آپ کو ایک راستہ مل گیا پبلسٹی کا, پھر آپ اس پہ چل گئے. مائی برادر, اسی دن رات کو میرے 25,000 فالوور ہو گئے, اسی دن رات کو آپ کو پھر ایک موقع ملا کہ اب آگے سے. میں نے جب معافی مانگی تھی دنیا کو پبلک میں سامنے آ کے دوسرے دن تیسرے دن پیج بنایا, وہ آپ نے قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ میڈم میرے پاس جہاں تھا پتا نہیں تھا, نہ لگا جہاں تھا پڑھا لکھا نہیں تھا, کیسے مان لو اگر آپ کو یہ سمجھتی کہ. پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, اکاؤنٹ بنانا آتا ہے آپ کو؟ نہیں نہیں آتا. اس پہ اپڈیٹ کرنی آتی ہیں چیزیں, وہ تو شیئر کرنی تو ہر بندہ کر لیتا ہے, تو جو پڑھا لکھا بندہ ہی کر سکتا ہے, ان پڑھ تو نہیں کر سکتا, کسی کا پتا شیئر کہاں لکھا ہے؟ وہ تو انسان کام ہے شیئر کرنا, فوٹو چڑھانا وہ تو انسان کام ہے, پیج آئی ڈی بنانا. کیسے پتا کہ آپ کے 25,000 ایک رات میں فالوور ہوئے ہیں, پتا کیسے چلا؟ وہ تو دیکھے, وہ تو ہر بندے کو پتا ہے کیسے شیئر ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, حق میں ہے وہ ہر بندے کو پتا ہے. میرا مقصد ہے نا, جس بات پہ آپ آئے ہیں وہ مقصد کی بات کریں, پرانی آپ بات چھوڑیں, ساری بات جس مقصد کی بات ہے وہ بات بات. میں آپ کی باؤنڈ نہیں ہوں کہ میں وہ بات پوچھوں جو آپ چاہیں, میں ہر وہ بات پوچھوں گی جس پہ آپ کی انگلی اٹھ رہی ہے. جس طرح کی ویڈیوز آپ کی وائرل ہو رہی ہیں, اور کچھ خواتین کی بھی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں وہ آپ کو ابیوز کر رہی ہیں, بری طرح برا بھلا کہہ رہی ہیں, اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ بہت غیرت مند ہے؟ میری گا سنو بس, ایک پراپر گنڈا کیتا گیا وے مینوں بدنام کرن دا, ٹھیک ہے. پہلی گل تو میں شارٹ کٹ ہونے گا دس سکا, شارٹ کٹ گا دس سکا, جی میں ایڈا ہی برا انسان ہوندا نا, جی میرے دماغ سوچ ہوندی کہ اج میں غلط کام کرنا ہے تے میرے گھر کو فرد نہ ہوندا. آپ اچھے ہیں برے ہیں, آپ کے فالوور یا آپ کے دیکھنے والے سارے ثبوت دیکھ, وہ تو میرے الحمدللہ جنے فالوور انہوں نے پتہ میں کی ہاں, اچھا ہوا برا ہوا, وہ برا ہے, وہ جو سب سارے ثبوت میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک آپ کے کتنے فالوور ہیں؟ 3.25 لاکھ فالوور. 3.25 لاکھ, جس دن سے آپ اریسٹ ہوئے تب سے کتنے ہو گئے؟ میں اس کا پیج نہیں. بڑے کتنے ہیں؟ میں 5 پڑے. فالوور کتنے بڑے ہیں آپ کے؟ اضافہ کتنا؟ میں نے دیکھا نہیں, پیج نہیں دیکھا. اندازن کسی نے بتایا گھر سے؟ میں پیج ہینڈل ہی نہیں کوئی کر رہا, تو بتایا کس نے؟ یہاں کیسے پتا کہ 3.25 لاکھ؟ وہ جو میں جب آیا تھا یہ کوئی 6 سال ہو گیا, 2-3 دن ہوئے ہیں, 5 دن ہو گیا, تو وہ تو مجھے پتا. 5 دن پہلے تک 3.25 لاکھ فالوور تھے؟ وہ 5 دن تک میرے فالوور تھے 3,03,000 کچھ تھے. کیا فائدہ ہوتا ہے اتنی فالوورشپ کا؟ اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. بینیفٹ کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بینیفٹ نہیں. تو پھر کیوں آپ نے یہ سٹنٹ کھیلا ہے؟ یہ میں نے جب میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں نا, یہ میری حد سے زیادہ وائرل ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ نو نو, میرے فین فالوئنگ یا میرے سے لوگ محبت کرتے ہیں, میرے سے پیار کرتے ہیں, تو شیئر ہوتا ہے نا. فین فالوئنگ تو بعد میں آتی ہے. میڈم بخت نے چڑھائی ہے, اس نے تو میری کور لگا لی ہے. اچھا آپ نے خود نہیں اپلوڈ؟ میں نے نہیں چڑھائی, اللہ میں غرق ہو جاؤں, میں ادھر ہی مار جاؤں جو میں خود چڑھائی ہوں. میرے بھین بھرا تو اس چیز کے, جو میں میرے بھین بھرا تو مجھے گھر سے نکالنے کو بھی تیار ہو گئے تھے کہ تمہیں کروں کا چھڑنا, تو سب بدنام کر رہے. بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جی. میں ریئل ہوں میڈم, میں ریئل ہوں, ریئل ہوں.
मैं रियल बात कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ हूँ। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं बहुत सारे सबूत आपके सामने रखने लगी। जी मैडम, मैं सबूत बताने के क्या लोड है, मैं पूरी दुनिया को पता मैं क्या हूँ। मैं एक आम पाकिस्तानी वर्कर हूँ, आम पाकिस्तानी, बस एक रब ने ये डायलॉग की वजह से मुझे इतना मशहूर दुनिया में कर दिया, इतना मशहूर कर दिया है कि वो लोगों को सहा नहीं सका। आज मैं पाकिस्तानी फिल्मों में काम करता हूँ, मेरी दो तीन पाकिस्तानी फिल्में सहन हुई है, मैं पाकिस्तानी ड्रामे में काम करता हूँ। मैं तो आम पब्लिक की आवाम हूँ, मुझे फैमिलियाँ देखती हैं। क्या मैं बुरे काम करूँगा, मुझे आप लोग चैनल में रखोगे नहीं रखोगे? पहली बात तो आप बताएं, जो मैं ऐसा करैक्टर मेरे अंदर, मैं बुरा आप लोग रखेंगे? ये इस वक्त बोला रिकॉर्ड नबील अकरम पुराइन का नाम है, उर्फ बोला रिकॉर्ड, उर्फ जायदादें बेच देती हैं। इनका ये कहना है कि जितनी वो वीडियोस अपलोड हुई उसमें इनका अमल दखल नहीं है, वीडियोस इनकी बनी हुई, इनकी अपनी जात उसमें है, ये बोल रहे हैं और फ्री कंसेंट से बोल रहे हैं ये सब कुछ आपके सामने, और बहुत कुछ हकाई जो सबूत मैं अपने नाज़रीन के सामने अब रखने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इनसे सवाल जरूर करूंगी कि ये सारा मामला अगर इनको कोई जरिया मुआश इस तरह से नहीं था तो फिर सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या था? अच्छा मुझे ये बताइएगा भोला साहब कि अगर आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था सोशल मीडिया से, आपको फेसबुक से कोई आमदनी नहीं थी, तो फिर आप कमाते क्या, जरिया मुआश क्या? मैं सुनिया रहा हूँ, मैं सुनिया रहा काम खानदानी से ले आ रहा हूँ। तो जदादें कौन सी बेची हैं? जदादें ये बस एक डायलॉग का, कोई जदाद हमारा एक घर है। आप तो इनकरेज कर रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जदादें बेच क्या हो रहा है, बस ये पैसे नहीं मिलता। कोई भी लफ्ज दुनिया में इंसान एक दफा बोल पड़ता है क्या उसका मतलब तो जदादें ही बेच रही हैं, हमारा एक ही घर है, हमारे बाप सोचा पता नहीं अभी कितना मुद्दे होंगे। दुनिया के जो मर्जी के, मैं भोला बड़ा रिच मैन है, दुनिया की नजर में बहुत रिच मैन हूँ, मैं आम पाकिस्तानी आम वर्कर। जायदाद है कितनी आपकी? हमारा एक ही घर है, उसको बेचा तो नहीं कभी? सोचा भी नहीं। हम तीन भाइयाँ एक बहन है, हमारा एक ही घर है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा घर है, हम वहाँ पे रहते हैं, सारी फैमिली इकट्ठे हैं। ये सारी बातें आपसे करते हैं नाज़रीन, सारे हकायक अभी आपके सामने आ रहे हैं, कुछ आना बाकी है। भोला रिकॉर्ड यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये एक्चुअली था क्या और अब ये क्या बन चुका है, और फैन फॉलोइंग में इजाफा दिन ब दिन कैसे हुआ, इसके पीछे हकायक क्या है, एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, भोला रिकॉर्ड अभी तक अपने किरदार की बड़ी सफाइयां दे रहे थे कि जी मैं इस तरह से हूँ, मेरा साथ ज्यादती हुई है, ये हुआ, ये कुछ वीडियोस हैं, पहले तो मैं अपने नाज़रीन को दिखाती हूँ, फिर इस पे एक एक पे इनसे मौकफ जरूर लेंगे कि ये सब क्या है। हेलो जदाता वेस्ट हो रही, 5000 दिरहम एवें नहीं बकिया लबदियां, जदाता वेस्ट हो रही है, पर ये जदाता। नाज़रीन ये तमाम वीडियोस आपने देख ली, अब वक्त है कि हम भोला रिकॉर्ड से पूछें जरूर कि अभी तक जितनी दुहाइयां दे रहे थे ये सब इनके सामने है अब, और ये देख भी चुके हैं। एक वीडियो ये कहते हैं कि मेरी वीडियो गलती से अपलोड हुई, अगर ये गलती से अपलोड हुई एक होती, ये बहुत सारी वीडियो है क्यों जी? मैडम मैंने आपको जी मैं देखो, ये मेरी वीडियो है, मैंने आपको सच बताया, ये मेरी एक दिन में वीडियो वायरल हुई थी सारी जी, एक ही मेरा मोबाइल था, मेरे किसी दोस्त ने मेरे व्हाट्सएप से अपने मोबाइल में डाल के मेरा तमाशा बनाया, ये पुतली तमाशा आज आपके सामने मैं इसलिए बना हुआ हूँ। मैं कुछ प्ले करके दिखा दूँ आपको? जी करें, प्ले करने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को पता, यूट्यूब में सारा कोई पढ़ी है, सारी दुनिया को पता है, प्ले करने की जरूरत क्या? फिर तो आपने भी देखी होगी ना। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आप ही है ना? जी ये मेरी है। फहाश मैडम ये फिल्म शूट है। अच्छा ये जी मैं रैप करता हूँ। अच्छा ये फिल्म शूट जी जनाब, ये शूट है, फिल्म शूट है, मैं पाकिस्तानी फिल्मों में रैप करता हूँ, ये पाकिस्तानी, ये रैप करता हूँ, मैं रैप करता हूँ, जो इंग्लिश गानों का रैप होता है ये रैप की वीडियो है। जी जनाब ये रैप है, ये भी रैप होगा। जी जनाब ये भी रैप है, सारी वीडियोस रैप हैं आपकी जी, ये भी, ये मेरे, अब मैं क्या बताऊँ, अब तो मेरा टीवी में आने का मकसद ये है, मैं टीवी में आता हूँ। जी जनाब ये रैप है। अच्छा मजे की बात है, आपकी सारी जो रैप है ये आपने सिर्फ बनियान पहनी हुई है और एक गोरी साथ है और आप यशी कर रहे हैं, ये तो एक टीवी का जाते सब ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए जदादें बेचनी पड़ती है, ये जब कोई फिल्म का ऐसा रैप होता है, स्विमिंग पूल में जाना चाहते मैं पैंट कोट पहन के जाऊंगा स्विमिंग पूल, सारी वीडियोस तो ऐसी नहीं। ओ मैडम जब मैं दो तीन फिल्मों में काम करता हूं, अगर गलत नहीं हूँ तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ इतने से टोटे के लिए फिल्म में कास्ट किया जाता है जिसमें आप बनियान पहने लड़की के साथ उसका बाजू में बाजू डाले? मैडम मेरी बात सुनिए, मेरा जो एक डायलॉग है ना, मेरा असल डायलॉग की बात नहीं कर रहा, डायलॉग की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारी एक्टिंग करता है, बहुत सारे रोल करता है, आपका यही वीडियोस अपलोड है और कोई भी नहीं है?
मेरी कोई नहीं बोलने की आज तक क्यों नहीं है चेक करें मेरा मेल खोले बोला मेरी सारी वीडियो मेरी पांच वीडियो मैंने मैं खुद एक सहाफी हूँ जी मुझे बहुत सारे अदाकारों का पता है उनकी वीडियोस का पता है यूट्यूब पे उनके प्रोग्राम्स का पता है उनकी मूवीज का उनके ड्रामास का पता है उनके सॉन्ग्स का पता है जिसमें उन्होंने वीडियो कास्टिंग की है मैंने आप रैप कभी नहीं देखा मैं आपको सुना के भी सुना सकता हूँ मैंने तीन चार गाने के रैप किए हैं मैंने बाहर के मुल्कों में जाके एक मेरी की बात सुने पाकिस्तान में या चाहे दुनिया में जितने भी बड़ा कोई ना कोई एक्टर होता है ना उसको भी ब्लैकमेल किया जाता है अच्छा। उसको भी उसकी भी वीडियो वायरल किया जाता है मैं बात सुनाता हूँ पहले मेरी बात क्लियर करें अच्छा। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कोई शरीफ का हो या कोई बड़ा एक्टर हो उसकी वीडियो दुनिया का तमाशा बन जाए दुनिया उसको तमाशा बनाती है उसको ताड़ियां मार के उसकी सच्चा नहीं हो जाता जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं रैप सुनाए मुझे मैं अपने गाने का रैप सुनाता हूँ जिस गाने में रैप करता हूँ मैंने पिछले दिन दो तीन मेरी मजबूरी है क्या मैं लड़कियों के साथ काम करना छोड़ दूं मैंने तो ऐसी कोई अभी तक रैप सॉन्ग आपका नहीं सुना तो फिर ये मेरी बेबे ने तो नहीं मुझे सहाया हो सकता मेरी बेबे नहीं था वो कवर में चली गई 20 साल हो गए अच्छा तो ये आपने रैप जो तैयार किया है तो अपनी वीडियोस पे रख के तैयार किया है फिल्मों के लिए जो काम किया है उनमें कौन सा रैप तैयार हुआ वो तो फिल्मों के गाने तो मैडम लहाने पड़ते हैं वो तो सिंगर बोलते हैं वो मैंने तो नहीं बोल मैं एक हीरो एक्टर हूँ मेरी फिल्में बन रही हैं मेरी दो फिल्मों में मेरा साइन हो चुका मेरे शूट चलते हैं जितना भी आपने मुझे रैप सुनाया ना जी ये सारा आपकी वीडियोस पे मैं अपनी और ये वीडियोस वो हैं जिनमें खातिन के साथ आप गलत हरकतों से वो वीडियोस बना के उसे अपलोड कर जी आपको पता है कि आपकी उन वीडियोस की वजह से आज आप खुद मसाइल में फंसे हुए हैं उन वीडियोस की वजह से आपके वो डायलॉग्स की वजह से क्योंकि आप फेमस हो गए आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया कितने लोगों का नुकसान हुआ जिन्होंने आपकी वो वीडियो के लफ्जों को फॉलो किया आपकी जायदादें बेची बाहर गए जाके वो सब किया जो आप कर रहे थे वहां वीडियो में दिखा रहे थे और लोग कितने कंगाल हुए लोग अपने बीवी बच्चे छोड़ के चले गए यहाँ से कितने लोग कितने ऐसे घराने हैं जिनके चूल्हे बुझ गए मैडम ये ये मेरी बात सुने मैं जब भी आई नई वीडियो बनाता हूँ ना मैं इस वीडियो में ये पैगाम जरूर देता हूँ कि मेरे तमाम दोस्तों मेरी किसी चीज से अमल नहीं करना मेरी मेरे तमाम तुसी से मनु यूट्यूब नो 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 तुसी मनु यूट्यूब खोल के वहां जो मेरा पेज खोल के देखो ओले दे मेरे फनी वीडियो देखो मैं फनी वीडियो बनाना हूं मैं गूगल से वीडियो नहीं बनाना मैं फनी वीडियो बनाना हूं आपको भोला क्यों कहते हैं नाम किस तरह भोला पास के पास एक निकनेम मेरा बन गया कब से बचपन जो मेरे घर में मेरे माँ प्यो मैं भोला मेरे ना मेरे वालदा मेरी माँ आई कहनी सी एक बात बात के रिकॉर्ड बन गया मैडम इंसान है गलती कताही होंगे ने रब माफी कर सकता है दुनिया तनकीद करती है रब को मैं माफी मांग रही सच्चे दिल नाल ते फिर दुनिया से जो मर गए दुनिया ने मैं पूरा भी नहीं पै सकता मेरे भैन भरा जिन्हें मैं रहना जिन्हें को मैं खलोना जिन्हें को मेरा 24 घंटे मेरा बहन खलोने उन्होंने मैं माफ कर दुनिया ने मैं एशिया सारा घूमे यूरोप भी गया मैं एशिया भी सारा घूमे हूं तो मैं लोग स्पॉन्सर करते हैं मैं लोग स्पॉन्सर करते हैं मैं लोगों लोग मैं बाहर वीजा टिकट भेज दे मैं बाहर जाना बाहर आके वीडियो बनाया नो लोगों को फैन फॉलोइंग मेरे मोहब्बत करते हैं मेरे लोग मैं मोहब्बत करते हैं तुम बस तनकीद कर रहे हो लोग तो मैं मोहब्बत कर रहे हैं नहीं मैडम तुम पूछ रहे हो तुम तनकीद करते हो आपकी वो हरकतें वो तमाम चीजें जिससे पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है पाकिस्तान से एक बंदा उठ के जाके बाहर गालियां दे रहा है वीडियो अपलोड कर रहा है मैं वो आगाही दे रही हूँ अगर इसको अच्छा, मेरी बात इसको अगर आप तनकीद समझ रहे हैं तो ये तनकीद बराए इस्लाह है अच्छा आपको मैं ही नजर आयो आपको मैं दो तीन बंदे और हैं वो नहीं याद है उनके 5-5, 6-6 लाख फॉलोअर हैं हर मिनट पर गाली देते हैं आप इंस्पायर हुए हैं ओ मैडम मैं बस आपके सामने एक मैं तमाशा बन के बस खड़ा हूँ आपको मौका मिल गया ये मेरे से बातें सुनने का ये आपको मौका है वो तो देखे मैं ठीक हूँ ना मेरी कोई गलती कताही हुई ना तो जो मेरा DNA टेस्ट आएगा ना आपने मुझे उसमें बख्शिश करनी है तो ना ये कानून वालों ने करनी जो मेरी सजा होनी मेरे रब ने मुझे देनी देनी जो मैं गलत हुआ तो सजा पाऊंगा तो जो सही हुआ अपने घर जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नतीजा मेरा 100/100 मेरे रब पे मुझे उम्मीद है कि मैं सच्चा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा हूँ गलतियां तो इंसान करता है मैं अब दो तीन उम्र करके अल्लाह पाक से माफी मांग ली है पर दुनिया नहीं मुझे छोड़ती मेरी बात जो अभी हुआ जिसकी वजह से अरेस्ट हो जी मैडम वो कानून उसका डिसाइड कर वो मुझे पूछे मैं जिस मरहले से गुजरता हूँ मुझे पता है ना कानून इन्वेस्टिगेट कर जी मैडम चलता 5-7 दिनों में अरेस्ट वो तमाम चीजें सही है या गलत है अपनी गलतियाँ सुधारना जी 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 क्या पीछे जो गलतियाँ हुई वो सुधार ली अब तक मैडम मेरी बात सुने
मेरा इस वक्त यहाँ पे मेरे भाई भी बैठे हैं, मेरी ये बात सुन ले, मेरी गलती एक दफा इंसान करता है, रो रो करेगा तो दुनिया से जल्दी कूच हो जाएगा। गलती मैं मानता हूँ, गलती मेरी वो वीडियो थी, मेरी वो वीडियो चढ़ी थी, मैंने जो भी है वो मेरे पेज पे नहीं, बोले रिकॉर्ड पे नहीं मिलेगी, लोगों को पैसे बनाने का निर्णय बनाया हुआ। मेरी बात सुनो, आपकी वीडियो गलती से अपलोड हुई, जी आपके साथ मुनाफ़त की गई, जी आपको जलील करवाया दिया। लेकिन अफसोस के साथ कि आपने उसको कैश किया, मामले को फेमस पे आप साइबर क्राइम नहीं गए। मैडम मैंने क्या बताया है यहाँ पे, सुने आप साइबर क्राइम की बात, आप साइबर क्राइम की बात आपसे करती हूँ। नाज़रीन बहुत कुछ है अभी आपको दिखाने के लिए और बोले से पूछने के लिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम पूछेंगे। मौजूद है और हाफिज इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके थाना बी डिवीजन में ये केस रजिस्टर्ड हुआ, फिर FIR हुई और अरेस्ट हुआ, ये भोला रिकॉर्ड जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा वेल नोन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये हकायक क्या हैं, इसको अरेस्ट किया गया, इसमें आपने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया होगा, मामला क्या? चूंकि जैसा कि मीडिया पे भी है इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस पे स्पेसिफिकली हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सख्ती है। जो ही ये वाकया रिपोर्ट होता है फौरी हम रिएक्ट करते हैं। हमारी कोशिश होती है फिल फौर मुलज़म पकड़ा जाए, फौरी मौके पे गए, लड़की का बयान लिया है, मुलज़म को पकड़ लिया है। बयानात में कुछ तदादात थे, लेकिन चूंकि मुलज़म को बासानी पकड़ा या कोई बासानी घर चले गए, घर नहीं था, घर गए, इसके भाइयों ने कॉल किया, घर आ गया था। अच्छा, तो इस उधर से हम ले आए थे। ठीक है। लड़की उज़्मा ने बताया कि मुझे इसने झांसा दिया है, बुलाया घर और मेरे साथ ज्यादती की है। फिर सवाल जवाब हुए, मैंने कहा उसने बुलाया आपको, चेक कर लें, कहती है, फिर कहती है नहीं उसने नहीं, मैंने कॉल की थी कि मैंने आना है। अच्छा, यानी वो उसने ये किया कि चूंकि इसने कहा, ये कहता मैंने तो कॉल नहीं की, खुद आई है, उसने ये कहा कि मैंने ही CDR ना सामने आ जाए इसलिए उसने कहा। फिर देन उसकी बहनें आ गईं इस रिकॉर्ड की, वो कहने लगी हाँ हमारे बोला रिकॉर्ड की, हाँ जी, कहने लगी कि हमारे सामने आई है, हमने चाय शाय दी है, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। तो वो भी मान के कहती है बिल्कुल आई थी, ये चले गए, बाद में इसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे साथ ज्यादती की है। ये जो खातून है उज़्मा, बेसिकली इसका करेक्टर कैसा है, क्या किरदार है? बेसिकली सियालकोट से वज़ीराबाद रहती है, तो इतना बताती है कि यहाँ एक लोकल अखबार, उसमें कहती है मैं काम करती रही हूँ। अच्छा, किसी न्यूज़पेपर में काम करती है? हाँ जी, लोकल न्यूज़पेपर का उसने बताया था, मैं चंद दिन जॉब की है। अच्छा, तो फिर मैं फारग थी, उधर ही कहते मेरी मुलाकात हुई इससे और इसने कहा मैं आपको जॉब दिला, ये उसका वर्षन था। ठीक। अच्छा इम्तियाज साहब, अभी तो डिटेल्स चूंकि हम आपसे ले रहे हैं। नाज़रीन, भोला रिकॉर्ड का सबका जितना भी प्रोफाइल था अभी तक हमारे नाज़रीन के सामने है, मुलज़िम की गुफ्तगू भी सारी आपने सुनी और अब हम चूंकि DSP साहब के पास मौजूद हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ पर बीच में एक वीडियो है जो कि किसी और खातून की है, ये उज़्मा बीबी की नहीं है, वो भी मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगी, DSP साहब को दिखाना चाहूँगी और फिर इस पे भोले से भी बात करेंगे कि ये एक उज़्मा का वाकया नहीं, ये तो और भी खातून है जिनको ब्लैकमेल करने की सूरत हाल सामने आ रही है, तो इसमें क्या सदाकत है, ये हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। इनका मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया, ही दिस इज मी भोला रिकॉर्ड। इनके इस मैसेज को मैंने पढ़ा और इन्होंने अपनी कोई गंदी सी मुझे पिक्चर सेंड की। जायदादें बेच के ये लड़कियों को खरीद सकते हैं, लेकिन हर लड़की को नहीं खरीद सकते हैं। मेरे पास इनका वॉइस भी है पूरा, मैंने रिकॉर्ड किया है जो इन्होंने मुझसे बात की है। तो वेट अ मिनट, पहली बात तो ये है कि मैं आपको जानती नहीं, आप कौन है, और मैं आपकी वीडियो पे कभी कमेंट्स नहीं किए, मुझे पता ही नहीं है तो मैं कमेंट्स क्यों करूंगी। तो मैं को बड़ी बात नहीं आपसे कर रहा था, जितने आपने मुझे तशरीह दे दी है। तो आपको कैसे पता कि मैं आपकी वीडियोस पे और पिक्चर्स पे कमेंट करती हूँ, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। मैडम मिनट, आपने तो देखा मैं कैसी बात करूँ आपको, चले हाँ जो भी है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दोबारा कॉल मत कीजिएगा प्लीज। ओ इफ यू डोंट माइंड, इम्तियाज़ साहब
इन्होंने वीडियो के एंड में एक्सक्यूज भी किया, फिर एतराफ भी किया कि मैं आपको कॉल कर रहा था और आइंदा नहीं करूंगा, या जिस तरह से वो इनको मना रही थी, और इनका जो लहजा था इनकी वीडियोस में होता है और जिस तरह से यूज करते हैं ये सारा आपने खुद जी। तो क्या समझते हैं कि अब इसमें सदाकत कितनी है इन मामलात में, और इनका सबका रिकॉर्ड अगर मद्देनजर रखा जाए? ये चूंकि नेट का मामला है, ये यही बता सकते हैं इसमें सदाकत क्या है, क्योंकि ये चीजें मेरी आवाज नहीं है, मेरी आवाज होती तो मैं आपको रियल बताता, सब जो मैंने कबूल किया ये वीडियो मेरी है, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, क्या चाहे ये छोटी सी वीडियो को मैं बात ही करता था, ये मेरे नाम की कई लोगों ने फेक आइडिया बनाई है, मेरे पेज के नाम के 7-8 लोगों ने पेज बनाए हैं बोर्ड कोर्ट के फोटोएं लगा के, ये फेक है, इसका मैंने कुछ कह सकता। मेरे अलावा बहुत लोग मुझे मेरे नाम की गालियां भी देते हैं, मुझे कुछ भी करते हैं, सब लोगों को मैं एक बंदे को गाली का जवाब दूँ तो फिर तो मेरा उधर ही जान ला जाने ना। खैर, ये अपने आप को डिफेंड तो बड़ा कर रहे हैं, इनको ये पता है कि इनके फेक अकाउंट्स चल रहे हैं। क्या सब ये चूंकि गुजरात के शहरी हैं, यहाँ पे वासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इनका बार बार पूरे प्रोग्राम में ये कहना है कि इनकी कंसेंट से ये वीडियोस अपलोड नहीं हुई, ये बनाई इन्होंने जरूर थी लेकिन ये अपलोड जो है वो इनके कंसेंट से नहीं हुई। तो ऐसे में क्या ये आप लोगों के पास कोई एप्लीकेशन लेके आए, कानूनी कार्रवाई करवाई कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या आप लोगों ने खुद से सोचा हो कि एक शख्स जो आपके शहर से इतना मशहूर और मरूफ हो चुका है सोशल मीडिया पे, और रीजन उसके मशहूर होने की चाहे ये वीडियोज ही हैं, तो उसको अगर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है तो उसे बुला के इन्वेस्टिगेट करके कोई एप्लीकेशन दायर की जाए इसकी, या इसने कभी कांटेक्ट किया हो, कानूनी राय ली हो? इसने कभी कोई कांटेक्ट नहीं इस बारे में किया ना, मैंने पहले वीडियो देखी थी, ये वीडियो मैंने भी कल ही देखी है। अच्छा, जब जिन वीडियो देखी है तो फिर मैंने फिर इससे सवाल जवाब किए हैं, इससे पहले इसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि ये वायरल हो रही है, कोई कर रहे थे मामला कोई, हाँ जी, रिकॉर्ड अपने जो रिकॉर्ड था उसको मजीद बढ़ा रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं हमारे नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए, और शायद उनकी भी अगर अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस के लिए, अगर किसी शख्स की कोई तस्वीर वीडियो उसके पर्सनल डाटा को कोई वायरल कर दे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, एक्स वाई जी किसी भी साइट पे, तो उसकी कंसेंट के बगैर कानून उसकी क्या मदद कर सकता है, वो किस तरह से कानून की जो है वो ले सकता है, मदद ले सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ जो है ब्लॉक की जाए, फौरी तौर पर आगे ना बढ़े? हाँ, इसके लिए स्पेशल एक साइबर क्राइम यूनिट FIA में बन चुका है, वो इसको डील करते हैं। FIA का ऑफिस वैसे तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में है, हेडक्वार्टर इनका लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, वो इंटरनेट के रिलेटेड तमाम मामलात हैं वो डील करते हैं, वो इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन दें, फिर वो भी पकड़ा जा सकता है, मुल्ज़म भी पकड़ा जा सकता है, IP एड्रेस ट्रेस हो सकता है, कहां से ये ऑपरेट हो रहा है। हाँ जी, FIA इस पे काफ़ी काम कर रही है। एक चीज़ तो है इम्तियाज़ साहब, जो वीडियोज इन्होंने बनाई वो काबिल एतराज़ हैं। हाँ जी, अभी तक इन्वेस्टिगेट उन्हें किया जा रहा है कि पाकिस्तान की साख खराब ना हो, और अगर की जा रही है चाहे उसमें अगर ये शामिल है तो इनको सजा मिले, अगर कोई और शामिल है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, तो क्या पुलिस अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को? हाँ, कल मैंने कहा, कल मुझे किसी ने सेंड की है वीडियो, देखी है, उस पर लीगल राय में ले रहा हूँ इसे कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लिंक इस मुकदमे के साथ तो नहीं है, लेकिन ये इसके बन सकती है। हाँ जी, स्टेट के साथ का सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पे आप एक पाकिस्तान का नाम इमेज जा रहा है, बहुत सारे लोग घरों से उजड़ रहे हैं इस एक डायलॉग की वजह से कि जायदादें बेच दें, क्या अभी तक कोई जायदाद भी बेची है और इन्वेस्टिगेशन में आई है सारी चीज़? ये तो खुद बता सकता है जायदाद कौन सी बेची है इसने, हर बार एक डायलॉग था, वो डायलॉग मेरा निकलना था तो आज दुनिया में मेरी पब्लिसिटी बनी थी, बस मेरा एक डायलॉग था। कौन सा डायलॉग था वो? ये मेरा डायलॉग था जायदाद बेच रही है। ये कहाँ पे आपने डायलॉग? सर ये डायलॉग दुबई में, ये सुना कहाँ से था, सीखा कहाँ से था? ये किसी से नहीं सुना, ये अल्लाह को अल्लाह रख के कह रहा हूँ, ये मेरा अपने दिमाग से बस करना था, किसी से नहीं कुछ सुना, ना कोई बात थी, ना कोई चाल थी, ना कोई चलन थी, बार बार कहते हैं कि अल्लाह बाद में माफ कर देता है, तो जी निदामत है। हर मैं वो वीडियो बना खुद शेयर किया आपने? नहीं सर, मैं देखे आज इस हालत में खड़ा हूँ, मैं अल्लाह को आदनाथ से ये बात करता हूँ, ये मेरी वीडियो मेरे किसी सुनारे पर आने, मैं नमाज पढ़ने जा रहा था उसके मोबाइल दुकान पर आ गया, इस बात के मेरे भैन भरा भी गुआएं, मैं मोबाइल आ गया, मेरे मोबाइल से उसने फोटो अपने व्हाट्सएप पे डाली और फेसबुक अकाउंट पे ये फोटो चढ़ा के फेसबुक डिलीट कर दिया, उसका सारा डाटा खत्म हो जाए, तो उसने आपकी आईडी को नेम नाम की आईडी बना के फिर तो आपको पता है किसने किया है उसके खिलाफ? मुझे पता है, वो बंदा इधर नहीं, वो बाहर भाग गया हुआ है, वो यूरोप भाग गया हुआ है।
उसने मुझसे पैसे की अपील की थी कि मुझे पैसे दे तेरी वीडियो चार जाएगा। मैंने उसकी बात को गौर ही ना किया। पूरी इनकी बात की ना, इनके पास हर चीज की जस्टिफिकेशन है कि अगर वो बंदा है उसका पता है तो आईपी तक ना पहुंचे, इसलिए वो बंदा बाहर है उसका पहुंचे। हाँ, ये वीडियो मैंने डिलीट करने की कोशिश की है। मेरे अपने लोग मुझे कहते थे कि $2,000 तेरी वीडियो ला देने। कोशिश की है मुझे पड़े। मैं साबित कर चुकी हूँ कि बहुत सारी चीजों में आपको समझ बूझ है, तो इस मामले में क्यों? हर बात यह है जैसे जैसे कि दिन ब दिन ये बात होती है ना, मुझे कोई ना कोई कोई अच्छा, ना कोई मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं। इम्तियाज साहब यहाँ मौजूद हैं। जी जी। आप मशहूर हैं भोला रिकॉर्ड। जी जी। आप मशहूर हुए कैसे? मैडम ये डायलॉग की वजह से मशहूर हो, इसी वीडियो की वजह से। जी, ये वीडियो की वजह से। यही आपकी पहचान है? जी जी जी। तो आप फखर से बुलंद करके चलते हैं कि मैं तो मेरा मेरी पहचान मेरा नाम ही मैडम ये बात सुने वो तो अब मैंने बात निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं ये बात शर्मसार हूँ। पाकिस्तान के तमाम चैनल मेरा इंटरव्यू कर चुके हैं, तो मेरे एक ही बात है, मैं अफसरों के सामने खुदू अपने कानून के पास में कटेरे में खड़ा हूँ। मैं अल्लाह को अदा लगा कि मेरे एक ही लफाज है कि इस वीडियो से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इंसल्ट होती है, मैं किसी के घर खुल डूर के फैमिली के पास नहीं जाता। इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह के घर मुझे फतेह अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं जी। तो फौरन बाहर जाके सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिर वीडियो बनाएंगे? मैं वीडियो बनाऊंगा। नो, देखिए ना, मैं एक अपनी वीडियो बनाऊंगा। एक मिनट, आप पुलिस को एप्लीकेशन नहीं देंगे कि इनका उसको ब्लॉक किया जाए? आप फिर वीडियो बनाएंगे? मैडम मेरी बाबू तो दूसरा मैटर है, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। मुझे जायद शादी में फंसाया गया है, तमाम मेरे पाकिस्तानी भ्राओं को, मेरे गुजरात शहर के लोगों को पता है। मैडम सुने ये बात, तो मुझे अब समझ आ गई, अकल में पड़ गई है कि ये काम करना ही करना है। पहली तो बात ये है, मैं अपने हक साज की आवाज उठानी है कि मैं बाहर निकल के वीडियो नहीं डिलीट करानी। पहले मैं बाहर निकले कि अपने हक साज की वजह लेनी है। मैं अल्लाह को आदर नजर रख के कहता हूँ, ये कानून बैठा है मेरे सामने, मैं अपनी जिंदगी की कसम उठा के कहता हूँ कि मेरा दूध का दूध पानी का पानी, जब मेरा डीएनए टेस्ट आएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा कि ये पूरा कार्ड इंशाल्लाह ताला बेगुनाह। आज आप परेशान हैं उन वीडियोस के इंच, मैंने वो वीडियो शर्मिंदगी है ना, आप यहाँ से बाहर निकले, सबसे पहले एप्लीकेशन दें। इंशाल्लाह मैडम मैं आपको भी दे सकते हैं एप्लीकेशन। मैडम जशा मिनन ये 5 दिन 10 दिन मेरी डीएनए रिपोर्ट आ रही, इंशाल्लाह ताला पहले इस बात का मैं अपना फैसला लूंगा और उसके बाद ये मैटर मैं जरूर पूरा करूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं मान गई आप बेगुनाह है, लेकिन पाकिस्तान की साख खराब हो रही है। मैडम ये तो देखे अल्फाज से हो रही है। देखे मेरी बात सुने, आप तो बहुत बात कर रही हैं, मुझे बहुत इंसल्ट होती है, मेरे फैमिली मेंबर मेरे पहना प्रावे, मुझे शर्म आती है। मैं जरूर एप्लीकेशन दूंगा कि ये जो मेरे फेक नाम की आइडिया बनती हैं, मेरे जो मुझे गलत लोग कमेंट करते हैं बुरे कहते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उनका मैटर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात, जो भी एप्लीकेशन देता है आपके सामने मैं 2-3 बंदों के नाम एप्लीकेशन देता हूँ जो मेरा नाम लेके इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करते हैं, अपने व्यू लेने के लिए मुझे मेरा नाम लेते। एक थे जेल हम कहे कि मुंडा, उसका नाम राजा LLP उसका नाम है, वो तो एक मिनट में पाकिस्तान को गाली देता है, एक मिनट के बाद उसकी कोई वीडियो होती है पाकिस्तान को छोले खा के, उसे कई डायलॉग है कि छोले खा के, चाह 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 उसका डायलॉग है, राजा LLP नाम उसका। मैं सारे आम पूरी दुनिया के सामने कहता हूँ, बुरी चीज देखे इंसान। मैडम देखे एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, वो टॉर्चर करते हैं। आप अपनी बात करें। जी मैं देखिए, मैं जब से पाकिस्तानी फिल्मों में काम करूँ ना, पाकिस्तानी ड्रामों में, तो मैं अल्लाह को आदर नजर रख के कहता हूँ, मैं कोई गाली नहीं देता, कोई ऐसी गलत वीडियो नहीं बना। क्यों? आप मुझे फैमिलियाँ देखती हैं, पहले तो जस्ट फेसबुक मुझे देखता था ना, आप सारी बात यही पे खत्म ना, आप सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पे एप्लीकेशन देख मैं देता हूँ निकल के दोबारा ऐसा कोई काम नहीं। नो मैं आपको पूरी दुनिया के सामने मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो मेरे रब ने मुझे गलती कता ही होनी थी, वो तो मैं अपने अपने पेज पे पूरी दुनिया को राय मोला माफी मांग ली थी। आइंदा के बाद इंशाल्लाह ताला पूरा रिकॉर्ड आपको कोई ऐसी वीडियो ऐसी बात नहीं करेगा कि आपको परेशानी हो कि पोलर कार्ड को मिनट मिनट बाद इशू का निशाना बनाया जाता है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका पड़ा एक फनी एक्टर हूँ, लोगों को फन करके दिखाता हूँ और लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट हूँ, मेरे तमाम परेशानी भाई होते हैं। सारी बातें सुन ली है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर किए अभी तक, और हमने
भोला रिकॉर्ड की भी काफी गुफ्तगु सुनी। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, इन्हें सुनने की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि अपने नाज़रीन को कुछ सच और कुछ हकायक ऐसे थे जो दिखाने थे, तो उसके लिए इन्हें एक बार फिर से सुनना बहुत जरूरी था। और अगर इन्हें नदामत है, इनको शर्मिंदगी है कि इन्होंने पाकिस्तान की साख खराब की, बहुत सारे घरों को खराब किया, बहुत सारे नौजवानों के जहन खराब किए, तो इस पर अगर ये माफी मांग रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि देखने वालों को भी सीख लेनी चाहिए कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर गलत कदम का अंजाम बुरा होता है और उसका एक सबसे बड़ा रोल मॉडल आप लोगों के सामने मौजूद है इस वक्त। तो आज के इस मोरलेबल एपिसोड के साथ मुझे अनिला असलम और टीम पुकार को इजाजत दीजिएगा। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।